अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। आज हम और एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि चैप्टर लाइट के साथ रिलेटेड है, दैट इज इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। एक हम आज देखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर और इस इमेज के कैरेक्टर्स भी आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो हम स्टार्ट करेंगे। पहले मैं यहाँ पे एक मिरर को ड्रा करूंगा। ये एक मिरर है मेरे पास। इस मिरर को एक तरफ से पॉलिश की गई है और दूसरी तरफ इसको स्मूथ सरफेस है। इस वाली सरफेस को हम बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस और ये जो वाली ये सरफेस है दिस इज नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और मैं एक एक्सिस यहां पे ड्रा करूंगा जो एक्ट करेगी एज ए प्रिंसिपल एक्सिस। यहां से यहां तक इसको मैं ड्रा करूंगा। ये एक्ट करेगी यहां पे प्रिंसिपल एक्सिस। ये एक मिरर है, प्लेन मिरर। इस प्लेन मिरर के सामने मैं एक ऑब्जेक्ट को रखता हूं। दिस इज एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मैंने एक ऑब्जेक्ट को प्लेन मिरर के सामने रखा। लेट अस सपोज दैट मिरर की दूरी पे जो ये डिस्टेंस है दिस इज डी डिस्टेंस। ये डी डिस्टेंस है फ्रॉम द मिरर। इस मिरर से कितनी दूरी पे है? डी डिस्टेंस पे। लेट अस सपोज दैट इट इज लोकेटेड एट अ डिस्टेंस डी फ्रॉम द मिरर। इस ऑब्जेक्ट से पहली रे ऑफ लाइट जो कि पैरेलल आ जाएगी इसको और फॉल हो जाएगी किस पे? मिरर पे। जूही पे मिरर पे फॉल हो जाएगी। ये फॉल हो जाएगी एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो ये वापस उसी पाथ से वापस आ जाएगी। अगर हम एक्चुअली देखेंगे एक्चुअली इस डायरेक्शन में जानी चाहिए कुछ ऐसे, लेकिन ये मिरर तो एक तरफ से पॉलिश किया गया है तो ये क्रॉस नहीं कर पाएगी ये रे ऑफ लाइट किसको? मिरर को। तो फिर हम दिखाते हैं एक्चुअल में ये ऐसे जानी चाहिए। अब दूसरी रे ऑफ लाइट हम डालेंगे इस पे सेंटर ऑफ द मिरर जिसको हम पोल भी बोलते हैं, सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर। इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? पोल। ये सेंटर करेगा एक्ट इस मिरर का। इस पे और एक रे ऑफ लाइट डालेंगे हम। एज पर रूल्स जब भी एक पोल पे रे ऑफ लाइट पड़ती है तो ये फॉलो करती है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इट विल फॉलो द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये कुछ ऐसे वापस आ जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। फिर हम इसी रिफ्लेक्टेड रे को यहां पे एक्सटेंड करते हैं। तो इस पॉइंट पे इस डिस्टेंस पे फॉर्म होती है इमेज। यह है इमेज। दिस इज ऑब्जेक्ट, दिस इज इमेज। पहले अगर हम देखेंगे ये जो इमेज है इट विल फॉर्म एट अ सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। ये भी डी डिस्टेंस की दूरी पे बनेगी। अगर फॉर एग्जाम्पल ऑब्जेक्ट मैंने रखा है 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम दिस मिरर, जो इमेज है वो भी 10 सेंटीमीटर बनेगी मिरर से दूर। 10 सेंटीमीटर इट विल फॉर्म सेम डिस्टेंस एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। और जो इस इमेज के कैरेक्टर्स होंगे, पहले हम देखेंगे ये हमने जो डॉटेड बनाया है इसका मतलब है एक्चुअल में ये रेज ऑफ लाइट नहीं मिलती है इस पॉइंट पे। एक्चुअली ये नहीं मिलती है, लेकिन हम इनको मिलाते हैं इस पॉइंट पे। हम ये आइडिया लगाते हैं कि इस पॉइंट पे ये मिलनी चाहिए। एक्चुअल में ये रेज ऑफ लाइट नहीं मिलती है क्योंकि ये जो मिरर है मिरर के पार ये रेज ऑफ लाइट नहीं जाएंगे क्योंकि ये मिरर एक तरफ से पॉलिश्ड है। फिर हम बोलते हैं एक्चुअल में इस पॉइंट पे ये मिलनी चाहिए। तो जिस इमेज में जो रेज ऑफ लाइट है ये एक्चुअली नहीं मिलते हैं, इमेज फॉर्म होती है लेकिन
द इमेज फॉर्मड बाय द रेज ऑफ लाइट बट नॉट द एक्चुअल मीटिंग, इस इमेज को हम क्या बोलते हैं, इस इमेज को हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज वो इमेज होती है जिसमें एक्चुअल में रेज ऑफ लाइट नहीं मिलते हैं, अपीयर्स टू मीट, व्हेन द रेज ऑफ लाइट अपीयर्स टू मीट, इसको हम क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज। तो पहले जो प्लेन मिरर है ये क्या फॉर्म करेगी, वर्चुअल इमेज। नंबर सेकंड, जो ये इमेज होगी, इमेज की साइज, साइज ऑफ इमेज इज सेम, साइज ऑफ इमेज इज सेम एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। जितना साइज इस ऑब्जेक्ट का है उतनी ही साइज इमेज का भी होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर ऑब्जेक्ट का साइज, अगर ऑब्जेक्ट की हाइट थी फॉर एग्जाम्पल 5 सेंटीमीटर, जो इमेज है ये भी क्या बनेगी, 5 सेंटीमीटर। ये दूसरा पॉइंट है, पहले ये इमेज वर्चुअल है, देयर इज नॉट द एक्चुअल मीटिंग ऑफ रेज ऑफ लाइट, द रेज ऑफ लाइट अपीयर्स टू मीट हियर, दैट्स कॉल्ड वर्चुअल इमेज। नंबर सेकंड, ये जो इमेज है, इमेज का जो साइज है वो सेम होगा एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, द हाइट ऑफ इमेज इज सेम एज दैट ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या साइज जो इसका होगा। नंबर थर्ड, द इमेज इज इरेक्ट, इमेज इज इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब है जिस पोजिशन पे यहां पे ऑब्जेक्ट है अपवर्ड एक्सिस पे ऐसे वर्टिकली, वैसे भी इमेज भी बनेगी वर्टिकली ऐसे, यानी इसका मतलब है इमेज इज इरेक्ट का मतलब है जिस पोजिशन पे फॉर एग्जांपल ये जो ऑब्जेक्ट है इसको पॉजिटिव एक्सिस में रखा गया है अपवर्ड डायरेक्शन में ऐसे, इमेज भी ऐसे ही बनेगी, इस प्रिंसिपल एक्सिस पे ऐसी ही इमेज भी बनेगी, इसको हम बोलते हैं इरेक्ट। पहला, इमेज इज वर्चुअल, सेकंड, सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज इज इरेक्ट। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, ये जो इमेज होगी, इमेज विल बी फॉर्मड सेम डिस्टेंस एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसका मतलब जितना ये ऑब्जेक्ट इस मिरर से दूर है उतनी ही दूर पे इमेज बनेगी, यानी जो इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये सेम होंगे, इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सेम होगी। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जिसको हम डिनोट करते हैं बाद में यू से, और दिस इज इमेज डिस्टेंस दैट इज वी, ये दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। यानी अगर इस सेंटर से इस ऑब्जेक्ट तक है फॉर एग्जाम्पल 10 सेंटीमीटर, इस सेंटर से इमेज तक भी होगा 10 सेंटीमीटर, यानी इट विल फॉर्म फ्रॉम सेम डिस्टेंस एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस प्लेन मिरर का, दैट इज जो इमेज फॉर्म होती है, जो इसका फॉर एग्जाम्पल दिस इज लेफ्ट, द लेफ्ट साइड ऑफ इमेज विल, द लेफ्ट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट विल अपियर राइट साइड ऑन इमेज। जब भी हम मिरर के सामने खड़े होते हैं, हमारा जो लेफ्ट साइड होता है, लेफ्ट साइड दैट अपियर्स राइट, और जो राइट साइड होता है ये क्या होता है, अपियर लेफ्ट साइड, इसको हम बोलते हैं लेटरली इन्वर्टेड, यानी इमेज फॉर्मड इज लेटरली इन्वर्टेड, लेटरली इन्वर्टेड। और फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, लेटरल इन्वर्शन, लेटरली इन्वर्टेड, यानी द राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट appears left side and the left side of the object appears right side. These were the characters of image formation by plane mirror. यानी पहले क्या होता है, ये image is virtual, there is not the actual meeting of rays of light on this point, image is same size as that of object, ये दूसरा है, image is erect, image distance is equal to object distance, number fifth, laterally inverted, left side of the object will appear right side on image. This were the characters of image formation by plane mirror. अब इसके बाद अगर हम देखेंगे, अब अगर हमें ऐसे कंडीशन दी गई है, हमें फाइंड करना है द मैक्सिमम हाइट ऑफ
mirror such that object can be seen completely. कितनी हाइट होनी चाहिए एक मिरर की सच दैट इसमें जो ऑब्जेक्ट है ये कंप्लीटली दिखना चाहिए. ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पे. मिनिमम हाइट ऑफ द मिरर सच दैट इमेज कैन बी फॉर्म कंप्लीटली. फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पे एक पर्सन को लूंगा, ये एक पर्सन है. फॉर एग्जांपल दिस इज हेड ऑफ पर्सन, दीज आर आईज इस पॉइंट पे, और ये जो ये वाला पॉइंट है ये हम यहां पे रिप्रेजेंट करेंगे, ये आई है, ये हम रिप्रेजेंट करेंगे दिस इज फुट. मुझे बताना है मैं एक मिरर के सामने खड़ा हूं, आई एम इन फ्रंट ऑफ मिरर. इस मिरर की मुझे हाइट बतानी है, इस मिरर की हाइट कितनी होगी. ये एक मिरर है मेरे सामने, दिस इज मिरर. मैं एक मिरर के सामने खड़ा हूं, मुझे बोलनी है इस मिरर की हाइट कितनी होनी चाहिए एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट सच दैट मैं कंप्लीटली इसमें दिख पाऊं. दिस इज मिरर. देखो अगर रे ऑफ लाइट हेड से आके मिरर पे स्ट्राइक हुई, फिर ये रे ऑफ लाइट कहां तक पहुंची है, आईज तक, तो इसका मतलब है ये इंसिडेंट रे है, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे. अगर हेड से रे ऑफ लाइट आ गई ये मिरर पे पड़ी, और यही रे ऑफ लाइट कहां पहुंची है, आई पे, तो मैं अपने हेड को आसानी से दिख सकूंगा मिरर में. और अगर दूसरी रे ऑफ लाइट फुट से आई आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये भी कहां तक पहुंची है, आई तक पहुंची है, तो इस कंडीशन में कंप्लीटली अपने आप को दिख पाऊंगा किसमें, मिरर में. अगर फुट से रे ऑफ लाइट आई ये मिरर पे पड़ी तो ये आई तक पहुंचेगी, मैं अपने पाओ को अच्छे से देख सकूंगा मिरर में. अब अगर हेड से रे ऑफ लाइट आ गई वो मिरर पे पड़ी, फिर वही है रे ऑफ लाइट कहां पहुंची है, आई तक, तो मैं अपने आप को कंप्लीटली देख पाऊंगा किसमें, मिरर में. तो मुझे इस मिरर की हाइट निकालनी है. देखो अगर यहां से ये मिरर एक्सटेंड करूंगा वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले देखो आप अगर यहां पे मैं एक नॉर्मल को ड्रा करूंगा, दिस इज नॉर्मल, ये एक नॉर्मल है, और एक नॉर्मल को मैं यहां पे ड्रा करूंगा, यहां पे ये दो नॉर्मल्स मैंने डाले हैं, ये मिरर है, मिरर मिरर. अगर मैंने मान लिया जो ये हाइट है इस ऑब्जेक्ट की, जो ये हाइट है, दिस इज एच, एच विल रिप्रेजेंट द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ पर्सन. ये ए पॉइंट, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी एंड दिस इज ई. ये मैंने यहां पे पॉइंट्स बनाए हैं, ई, दिस इज एफ एंड दिस इज जी. क्या मैं इसको यहां पे लिखूं, ये इंसिडेंट रे है आई आर, और ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे आर आर. ये है इंसिडेंट रे आई आर, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे आर आर. जो एंगल फॉर्म होता है बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, इसको मैं एंगल आर लिख सकूं, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट इज फॉर्मड बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल. और ये भी एक इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है, ये भी एक इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है, और ये नॉर्मल है, तो इसके दरमियान जो एंगल बनेगा वो भी होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस. अब ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये नॉर्मल है, इसको हम बोलेंगे एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ये भी रिफ्लेक्टेड रे है और ये नॉर्मल है, इसको भी हम बोलेंगे एंगल आर, दैट्स एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ठीक. अब अगर हम देखेंगे ये दो ट्रायंगल्स यहां पे बनी है, ये यहां पे दो ट्रायंगल्स हैं कुछ ऐसे,
ये है ए बी ई एंड एफ। अगर इन दो ट्रायंगल्स को हम देखेंगे, ये एंगल इस एंगल के बराबर है क्योंकि ये एंगल आई है, ये एंगल आर, ये एंगल 90, इसमें ये एंगल 90, ये एंगल 90, ये एंगल 90, ये एंगल इसके बराबर। और जो ये ए बी, ए बी पार्ट है, ये किसके बराबर होगी, इसमें हम आपको दिखाएंगे एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर इज इक्वल टू इक्वल, ये दोनों इक्वल है, सेम है। और जो ये एफ बी है, एफ बी कॉमन बेस है इनमें, कॉमन बेस, ये कॉमन बेस है। और ये जो एंगल एफ है, एंगल एफ इज इक्वल टू 90, इसमें भी ये जो ये वाला एंगल है वो भी एफ ही है, एंगल एफ इज इक्वल टू 90, दोनों एंगल सेम है, ये एंगल भी 90 है, ये एंगल भी 90 है, इनमें ये एंगल 90, ये एंगल इस एंगल के बराबर। ये जो एफ बी है, एफ बी ये कॉमन है दोनों में। अब क्या मैं लिख सकूंगा ये जो ए बी पार्ट है, ए बी इज इक्वल टू ई बी, ई बी, क्योंकि ये अगर हम देखेंगे ये इंसिडेंट रे है, ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। जब तक इंसिडेंट रे ए से बी तक जाएगी तब तक रिफ्लेक्टेड रे बी से ई तक जाएगी, क्योंकि एज पर प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम, अगर ए बी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वी टी, जो हमने कल देखा है, तब तक बी से जो वेव निकलेगी वो ई तक पहुंचेगी, वो भी कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, वी टी। तो ये जो दोनों पार्ट्स है ए बी एंड बी ई, ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे एज पर द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम। अब जो ये वाला साइड है ए एफ एंड एफ ई, एज पर द आर एच एस रूल, राइट एंगल्स हाइपोटेन्यूस साइड रूल, उसके मुताबिक जो ये पार्ट है ए एफ एंड एफ ई, ये भी बराबर होनी चाहिए, यानी ए एफ इज इक्वल टू एफ ई, ये भी इक्वल है एज पर आर एच एस रूल, राइट हैंड राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड, इस रूल के मुताबिक ये जो ए से ई तक डिस्टेंस है यही है एफ से ई तक। यानी मैं यहां पे लिखूंगा अगर ये एक्स है, ए टू एफ, एफ टू ई भी क्या होना चाहिए, एक्स होनी चाहिए, यानी इस पॉइंट तक अगर डिस्टेंस एक्स है, इस पॉइंट तक भी डिस्टेंस एक्स ही होगी। सिमिलरली अगर हम देखेंगे ये जो यहां पे दो ट्रायंगल्स बने हैं, ये दो ट्रायंगल्स ऐसे, ये दो ट्रायंगल्स हैं, ये इनका नॉर्मल है, ये फॉर एग्जांपल ये है, इस पॉइंट पे है ई जी डी सी, यहाँ पे दो ट्रायंगल्स हैं, एक है ई जी सी, एक ये ट्रायंगल है, दूसरा है जी सी डी। अगर हम इनमें देखेंगे दिस इज एंगल ऑफ आर एंड दिस इज एंगल ऑफ आई, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सेम दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये दोनों बराबर है, यानी एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर एज पर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। और जो यहाँ पे जी सी है, दिस इज कॉमन, जी सी कॉमन है, और एंगल जी जो बना, एंगल जी ये दोनों में है 90 90, यानी एंगल जी इज इक्वल टू 90, ये वाला एंगल 90, ये वाला एंगल 90, दोनों ये क्या है 90। अब अगर हम देखेंगे एज पर दैट वेरी रूल, आर एच एस रूल, ये भी क्या हो गए, कॉन्ग्रंट हो गए, आर एच एस रूल के मुताबिक ये क्या हो गए, दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रंट हो गए, कॉन्ग्रंट ट्रायंगल्स, यानी ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या हुआ, कॉन्ग्रंट ट्रायंगल। तो इनके जो साइड्स हैं ये भी क्या होंगे, फिर इक्वल होंगे। इसका मतलब इस इन दो ट्रायंगल्स में जो ई जी होगा, ई जी, ये ई इस पॉइंट पे है, आई पे ई, ई जी इज इक्वल टू जी डी, जी डी, यानी ई जी से जो डिस्टेंस होगी, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो डिस्टेंस होगी वही होगी जी डी से, यानी ई जी इज इक्वल टू जी डी, ये भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसका मतलब अगर ये ई से जी तक वाई है ना, जी से इस पॉइंट डी तक भी कितनी डिस्टेंस होगी, वाई होगी, क्या होगी, वाई। नाउ टोटल हाइट एच, यहां पे मैं लिखूंगा जो टोटल हाइट है एच वो किसके बराबर है, आप अगर हम टोटल हाइट देखेंगे, टोटल हाइट
टोटल हाइट जो है दैट इज एच, एच टोटल हाइट होगी वो किसके बराबर होगी, एक्स प्लस एक्स प्लस वाई प्लस वाई, क्योंकि यहां से यहां तक अगर हम इसको और एक एक स्टेप यहां पे डिस्कस करेंगे पहले सच दैट यू कैन अंडरस्टैंड क्लियरली। जो टोटल हाइट h है मिरर की वो किसके बराबर है, दैट इज ए एफ प्लस एफ ई प्लस ई जी प्लस प्लस जी डी, दिस शुड बी द टोटल हाइट ऑफ दिस पर्सन। नाउ टोटल हाइट h इज इक्वल टू ए एफ किसके बराबर है, x के बराबर प्लस एफ ई किसके बराबर है, x के बराबर प्लस ई जी किसके बराबर है, y के बराबर, y के बराबर प्लस जी डी किसके बराबर है, y के बराबर। तो जो h टोटल निकलेगी वो किसके बराबर निकलेगी, That is 2x plus 2y. अब यहां पे हम एक टर्म को कॉमन करेंगे, हम लिखेंगे h is equal to, यहां पे 2 को हम कॉमन करेंगे into x plus y. 2 को यहां पे कॉमन किया है, बचेगा x plus y. तो जो h divided by 2 होगा वो होगा x plus y, x plus y. h is equal to, अगर हम इस इक्वेशन को देखेंगे यहां पे अगर मुझे क्या चाहिए x प्लस वाई वो किसके बराबर होगा, h अपॉन 2। लेकिन अगर हम यहां पे देखेंगे इस पॉइंट पे, क्या ये जो x प्लस वाई है क्या ये यही डिस्टेंस है, क्या ये यही टोटल है x प्लस वाई, यानी अगर मैं यहां पे एक नॉर्मल ड्रा करूंगा इस पॉइंट से इस पॉइंट तक होगी x डिस्टेंस, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक होगी y डिस्टेंस, ठीक, टोटल होगी x प्लस वाई। जो x प्लस वाई होगी वो कितनी होगी, h डिवाइड बाई 2। लेकिन x प्लस वाई है क्या, ये बेसिकली है हाइट ऑफ द मिरर। क्या है, हाइट ऑफ द मिरर, यानी इसका मतलब है अगर हमें कोई भी ऑब्जेक्ट क्लियरली देखना है एक मिरर में, उसकी हाइट कम से कम होनी चाहिए h डिवाइड बाई 2। एच इज द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर मुझे मिरर फॉर एग्जाम्पल बताना है कितना बड़ा मिरर चाहिए मुझे कंप्लीटली देखने के लिए, उसमें उसकी जो हाइट होनी चाहिए वो होनी चाहिए h डिवाइड बाई 2, where h is the height of object, height of object। तो इतना बड़ा मिरर चाहिए मुझे अपने आप को देखने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 10 फिट हूं, 10 फिट मेरी हाइट है, अगर मुझे कंप्लीटली अपनी इमेज देखनी है एक मिरर में, वो बन जाएगा 10 डिवाइड बाई 2, दैट इज 5 फिट। तो 5 फिट की मिरर की जरूरत है मुझे कंप्लीटली देखने के लिए उस मिरर में। ये एक था इसमें, यानी h डिवाइड बाई 2 मिनिमम हाइट। अब दूसरा इंपॉर्टेंट है ये भी, अब अगर मैं एक दीवार के मिडल में खड़ा हूं, पीछे से दीवार है, मैं बिल्कुल दीवार और मिरर के मिडल में खड़ा हूं फॉर एग्जांपल, अब अगर कुछ कंडीशन ऐसी है, अब अगर कंडीशन ऐसी है फॉर एग्जांपल ये एक दीवार है मेरे पास, लेट अस सपोज दैट इस दीवार की जो हाइट है दैट इज एच, इस दीवार की हाइट कितनी है एच, मैं इसके मिडल में बैठ गया, मैं इसके मिडल में यहां पे हूं मैं फॉर एग्जांपल दिस पॉइंट पे, दिस इज पर्सन, और मेरे सामने एक मिरर है, ये एक मिरर है मेरे सामने, आगे मुझे इस मिरर में इस वॉल की पूरी फोटो देखनी है, मिरर छोटा बन गया यहां पे, ये मिरर है फॉर एग्जांपल,
दिस इज मिरर, मैं बिल्कुल मिरर और वॉल के बीच में हूं। इसका मतलब अगर मिरर तक यहां पे जो डिस्टेंस है दैट इज डी, डी डिस्टेंस, और इस पर्सन से जो मिरर तक डिस्टेंस है दैट्स आल्सो डी, दैट्स आल्सो डी, यानी मैं बिल्कुल इसके मिडल में खड़ा हूं, बिटवीन वॉल एंड मिरर। मुझे इस वॉल की पूरी फोटो इस मिरर में देखनी है, तो उस टाइम मुझे कितना बड़ा मिरर चाहिए। ठीक, तो मैं एक काम करूंगा, पहले ये जो बॉटम ऑफ द वॉल है इससे मैं एक इंसिडेंट रे आप डालूंगा मिरर पे, एक इंसिडेंट रे है। अगर ये इंसिडेंट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन पहुंची मेरी आईज तक, यहां तक, तो ऑब्वियसली मैं वॉल के जो बॉटम है इसको अच्छे से देखूंगा। जब मेरे आईज यहां पर आई है, आईज तक पड़ेगी, तो मैं ऑब्वियसली वॉल को अच्छे से देख पाऊंगा। या अगर हम देखेंगे जो हाइट टॉप ऑफ द वॉल है उससे रे ऑफ लाइट आ गई, ये पड़ी किस पे, मिरर पे, फिर यही रे ऑफ लाइट पहुंचेगी कहां तक, मेरी आईज तक। इस कंडीशन में मैं टॉप देखूंगा किसका, इस वॉल का। ठीक, यानी एक तो बॉटम से आनी चाहिए, वो मिरर पे पड़े, सच दैट इट विल रीच टू माय आईज, सच दैट आई कैन सी दिस बॉटम ऑफ द वॉल। और अगर टॉप ऑफ द वॉल से आ गई रे ऑफ लाइट, ये पड़ी मिरर पे और पहुंची मेरी आंखों तक, तो मैं इस टॉप को भी देख पाऊंगा। ठीक, मैं यहां पे एक नॉर्मल को ड्रा करूंगा, यहां पे मैं एक नॉर्मल को ड्रा करूंगा पहले। कैन लुक हियर दैट, ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस पॉइंट पे मैं नॉर्मल को ड्रा करूंगा, ये एक नॉर्मल है, इस पॉइंट पे भी मैं एक नॉर्मल को ड्रा करूंगा, दिस इज नॉर्मल सेकंड, दिस इज फर्स्ट नॉर्मल एंड दिस इज नॉर्मल सेकंड। अब देखो यहां पे मैं एक परपेंडिकुलर ड्रा करूंगा, ये एक परपेंडिकुलर मैंने डाला, तो दूसरा परपेंडिकुलर में ये थोड़ी सी नीचे बन गई, दूसरा परपेंडिकुलर मैं यहां पे डालूंगा इस पॉइंट पे, ये दूसरा परपेंडिकुलर है। अब ये इंसिडेंट रे है, दिस इज नॉर्मल, तो ये बन गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे एंड दिस इज नॉर्मल, ये बन गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सेम दिस इज इंसिडेंट रे एंड दिस इज नॉर्मल, ये बन गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज नॉर्मल, ये बन गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। अब अगर मैं देखूंगा ये है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जी, अब अगर मैं देखूंगा इस तस्वीर की तरफ, मुझे प्रूफ करना है अगर मैं एक दीवार और एक मिरर के मिडल में बैठा हूं तो मुझे इस मिरर की मिनिमम हाइट कितनी चाहिए, सच दैट ये जो वॉल है ये कंप्लीटली मुझे दिख पाएगा। ठीक, मैंने सपोज किया द हाइट ऑफ वॉल इज एच। अब अगर हम देखेंगे यहां पे दो ट्रायंगल्स फॉर्म हुए ऐसे, ये एक ट्रायंगल है, इसी ट्रायंगल में यहां पे मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया, कैन लुक हियर दैट, ये एक नॉर्मल है, दिस इज नॉर्मल, ये ट्रायंगल है ए बी जे एफ, यहां पे मैं लिखूंगा एम इस पॉइंट को। अब अगर इन दो ट्रायंगल्स को हम कंपेयर करेंगे, जो यहां पे ये ट्रायंगल्स बने, ये वाले ट्रायंगल यहां से जो ट्रायंगल्स बने यहां पे, इसमें अगर हम देखेंगे ये जो ये एंगल है, एंगल ए एंड एंगल एम ये बराबर है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एम। रीजन क्या है, क्योंकि इस लाइन का स्लोप चेंज नहीं हो रहा है। अगर ऐसी लाइन है फॉर एग्जाम्पल, इस पे मैं ऐसे नॉर्मल डालूंगा, तो ये जो एंगल है फॉर एग्जाम्पल ये सब एंगल्स ए
बी सी ये इक्वल होंगे क्योंकि लाइन का स्लोप चेंज नहीं हो रहा है। अगर लाइन कुछ ऐसे बनेगी फिर उस वक्त अगर मैं यहाँ पे इस पे नॉर्मल डालूंगा तो ये एंगल्स इक्वल नहीं होंगे क्योंकि इसका स्लोप वैरी हो रहा है, इसका स्लोप वैरी नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब है जो एंगल है ए है वो किसके बराबर होगा, एंगल एम के बराबर होगा। और जो ये एंगल है ये एंगल बी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल जे, बोथ आर 90, बोथ आर 90 डिग्रीज, दोनों क्या है 90 डिग्रीज है इस ट्रायंगल में, ये जो ये दो ट्रायंगल्स है ये और ये। और जो बी एफ है ये कॉमन है, कॉमन बेस, कॉमन बेस दोनों ट्रायंगल्स में क्या है ये कॉमन बेस। जो बी एफ है ये दोनों ट्रायंगल्स में क्या है कॉमन बेस है। अब ये वाला एंगल 90 है, ये वाला भी एंगल 90 है, ये एंगल इस एंगल के बराबर है। और अगर हम देखेंगे बी से जो यहां पे जे तक डिस्टेंस है, बी से जे तक वो कितनी है डी है, दैट इज डी, ठीक। और जे से जो एफ तक डिस्टेंस है वो भी किसके बराबर है डी के बराबर है। यानी इसका मतलब बी से जे तक कितनी डिस्टेंस है डी, जे से एफ तक कितनी डिस्टेंस है डी, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद अगर हम देखेंगे बेस ऑफ ट्रायंगल, इस ट्रायंगल की बेस अगर हम देखेंगे, जो ट्रायंगल है ए बी एंड सी, ट्रायंगल ए बी सी यानी ट्रायंगल ए बी एफ, सॉरी एफ है यहां पे, ट्रायंगल ए बी एफ, ए बी एफ, ए बी एफ ट्रायंगल में अगर हम देखेंगे इसकी बेस कितनी होगी, इसकी बेस होगी यहां तक है डी, इससे हो इससे इधर कितना है डी, तो टोटल कितनी होगी 2d, 2d शुड बी द बेस ऑफ दिस लार्ज ट्रायंगल यानी ए बी एफ, इसकी जो टोटल बेस है दैट्स 2d। लेकिन अगर हम इस छोटे ट्रायंगल को देखेंगे यहां पे आई से, ये वाला ट्रायंगल यहां पे मैं इसको मार्क करूंगा, दिस इज एम, एम जे एफ, एम जे एफ, अगर हम देखेंगे ये एंगल कितना है 90, ये एंगल इस एंगल के बराबर है, ठीक। एंगल एम इज इक्वल टू एंगल ए, एंगल एम इज इक्वल टू एंगल ए एंड एंगल जे इज इक्वल टू 90, ये वाला एंगल कितना है 90 है, वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन इसकी जो बेस होगी, इस ट्रायंगल की जो बेस है दैट इज एम जे एफ, एम जे एफ दैट इज डी, दैट इज डी, वो कितनी है वो डी है। यानी अगर हम देखेंगे इसकी बेस कितनी है, बेस इज इक्वल टू डी। इसका मतलब है अगर इस छोटे ट्रायंगल में ये एम से जे तक है एक्स, फॉर एग्जांपल एक्स एज पर आरएचएस रूल, फिर ये जो बड़ा ट्रायंगल है इसकी जो ये है ये वाली परपेंडिकुलर ये कितनी होगी 2x, क्योंकि अगर इसके पास बेस है 2d इसका जो साइड होगा वो होगा 2x, अगर इसके पास बेस है d इसके पास जो साइड होगा परपेंडिकुलर दैट इज x। इसका मतलब है ये 2x है, ठीक। अब ये सेंटर ऑफ द मिरर है, यहां से यहां तक डिस्टेंस है x और यहां से यहां तक डिस्टेंस है y, फॉर एग्जांपल यहां पे z पॉइंट है, यानी f z तक x डिस्टेंस है और z g तक y डिस्टेंस है। तो मैं यहां पे लिखूंगा जो bc से डिस्टेंस होगी वो x होगी और जो cd से डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी y होगी, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है। अगर हम देखेंगे ये ऐसी लाइन है, ये bf है, bf और लाइन dg, dg, तो ये मिडल वाली लाइन ऐसी है दैट इज cz, c जर, तीनों लाइंस क्या है पैरेलल है। तो इसका मतलब है अगर ये डिस्टेंस एक्स है, ठीक, अगर ये डिस्टेंस कितनी है एक्स, तो ये डिस्टेंस भी क्या होगी एक्स, अगर ये डिस्टेंस वाई है ये डिस्टेंस भी कितनी होगी वाई होगी, क्योंकि तीनों लाइंस पैरेलल है। यानी बी एफ इज पैरेलल टू सी जर एंड सी जर इज पैरेलल टू डी जी, वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब ये 2x, ये x, ये y, ये कितना होगा फिर 2y, क्योंकि यहां से बिल्कुल ऐसे ही बनेगा, और दो ट्रायंगल्स, एक ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ये एंगल 90 इसमें, ये एंगल 90, ठीक, इन दो ट्रायंगल्स में ये एंगल 90, ये एंगल 90, ये एंगल इस एंगल के बराबर क्योंकि स्लोप सेम है। एज ए रिजल्ट ऑफ व्हिच अगर ये फॉर एग्जांपल वाई है
फ्रॉम आई टू एच, सो जो डी से ई तक होगी वो कितनी होगी, 2y. अब हम एक पॉइंट पे आए हैं यहां पे, देखो अब अगर हम टोटल हाइट अब देखेंगे, टोटल हाइट एच, टोटल हाइट ऑफ द वॉल दैट इज, टोटल हाइट होगी किसके बराबर, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई, ये टोटल हाइट होगी इस वॉल की. एच इज इक्वल टू ए बी कितना है 2x प्लस बी सी कितना है x प्लस सी डी कितना है 2y, सी डी कितना है y प्लस डी ई कितना है 2y. अब इसके बाद एच इज इक्वल टू 2x प्लस x इज 3x प्लस y प्लस 2y इज 3y. h इज इक्वल टू 3 को हम कॉमन आउट करेंगे, बाहर बचेगा x प्लस y, अंदर बचेगा x प्लस y. अगर हमें x प्लस y निकालना है वो निकलेगा h डिवाइड बाई x प्लस y. अगर मुझे x प्लस y निकालना है इस इक्वेशन से तो वो निकलेगा h इज इक्वल टू x प्लस y डिवाइड बाई 3. तो ये हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन बन गई. यानी इस मिरर की जो हाइट होनी चाहिए वो होनी चाहिए h डिवाइड बाई 3, h टाइम्स डिवाइड बाई 3. अगर फॉर एग्जांपल इसका मतलब है अगर वॉल 9 फिट है और मेरे सामने मिरर है, मैं उस मिरर और वॉल के बिल्कुल मिडल में बैठ गया, उस वॉल की हाइट कितनी है 9 फिट, तो जो मुझे मिरर चाहिए उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, फिर h डिवाइड बाई 3 दैट इज 9 डिवाइड बाई 3 दैट इज 3 ones are 3, 3 threes are 9, 3 फिट हाइट होनी चाहिए किसकी, मिरर की, सच दैट ये जो वॉल है ये मुझे कंप्लीटली दिख पाएगा, कितनी होगी h डिवाइड बाई 3 एज दैट ऑफ हाइट ऑफ वॉल, उसमें कितना होनी चाहिए h डिवाइड बाई 2. थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग.